बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ऑल इवन परमुटेशंस इन S3 एंड ऑल ऑल ऑड परमुटेशंस इन S3। अब S3 की पहले हम बात करके आ चुके हैं कि x हमारे पास क्या है। x इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये हमारे पास x के अंदर एलिमेंट्स हैं। और इसकी जब परमुटेशंस बनाई गई कि 1, 2, 3 की, 1, 2, 3 का मतलब ये है कि हम इन नंबर्स को जो है वो अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ये पहले बात हो चुकी है, और वो 3, 2, 1, और इस तरह जो है इसकी 6 परमुटेशंस बनती हैं। और वो 6 की 6 परमुटेशंस जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दी हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी 6 परमुटेशंस हैं। आई आइडेंटिटी है F1, F2, F3, F4 और F5 जो कि दी गई हैं, और इसकी तफसीलन पहली वीडियोस के अंदर जो है वो बात हो चुकी है। अब हमने ये बताना है कि इनमें इवन कौन सी हैं और ऑड कौन सी हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करते हैं। अच्छा, अब आइडेंटिटी जो है वो आई इज़ इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन एज इट कंसिस्ट्स ऑफ नो ट्रांसपोजिशन, यानी कि 0 ट्रांसपोजिशंस के ऊपर जो है ना, 0 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसलिए इसी तरह अगर हम जो है वो बात करें F1 की, तो F1 किसके इक्वल है, 1, 2, 3, 2, 3, 1 के इक्वल है। तो हमने ट्रांसपोजिशंस स्टूडेंट्स देखनी है, तो सबसे पहले इसका साइकिल की बात करेंगे, साइकिल से ट्रांसपोजिशंस। जैसे ये 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 है, तो 1, 2, 3, तो ये 1, 2 और 1, 3 इसकी 2 ट्रांसपोजिशंस बनेगी। तो ये 2 होने की वजह से ये क्या होगी, ये इवन है। इसी तरह हम जो है वो बात करें F2 की, तो F2 जो है वो क्या है हमारे पास, ये F2 किसके इक्वल है, 1, 2, 3 और 3, 1, 2, 3, 1, 2। अब इसमें अगर आप देखें तो 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 1, 2। तो ये भी 2 है, 2 इवन है, तो ये इवन ये इवन परमुटेशन होगी। फिर हम बात करते हैं F3 की, F3 में क्या है, 1, 2, 3 और 2, 1, 3। इसमें ये देखें 1, 2, अब 3, 3 को पे मैप हो रहा है, तो इसमें एक ही साइकिल है 1, 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ऑड आ जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 ऑड नंबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें F4 की, तो F4 जो है वो क्या है, F4 इज 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, तो 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 1 है, 2, 2 को बैलेंस कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी ऑड परमुटेशन है, ये क्या हमारे पास ऑड है। इसी तरह जो है वो F5 की बात करेंगे, तो F5 जो है वो किसके इक्वल है, F5 इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 1, 3, 2, 1, 3, 2। अब ये देखें 1, 1 को बैलेंस कर रहे हैं, तो 2 के बाद 3 है, तो ये हमारे पास ये भी ऑड आ जाएगा। तो इस तरह ये देखें आइडेंटिटी इवन है, ये 2 इवन हैं, तो ये 3 इवन हो गई, और 3 ही जो है वो इसके अंदर परमुटेशंस क्या हैं, ऑड हैं, और यही हमें जो है वो फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 की। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।